एक इंसान अपने घर से निकलता है, वो भी बाइक लेके हजारों किलोमीटर दूर जाता है, लोगों से मिलता है, उनकी प्रॉब्लम सुनता है, उनको लेके वीडियोस बनाता है। सोचिए आप लोग, ना वो दिन देखता ना रात देखता, कंटिन्यूएशन में उसकी बाइक चलती रहती है, मतलब पूरे इंडिया में वो बाइक से ही घूमता है और लोगों को कितना सपोर्ट कर रहा है। टेक चैंपियन सपोर्ट, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसका नाम है अंशुमन मौर्य। उनके बारे में मैं जो भी बोलूँगी बहुत कम होगा। गाइज, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वो बंदा हजारों किलोमीटर पहाड़ों में गाड़ियाँ चला चला के, मतलब एक नॉर्मल जगह पे रहने वाला, यूपी से बिलोंग करने वाला, पहाड़ों में गाड़ियाँ चला रहा है, किस तरीके से चला रहा होगा, कैसे वो गया होगा वहाँ तक उस इंसान से मिलने, कौन? सौरभ जोशी, जिसके पीछे पूरी जनता पागल है। और आज उसको किसने ऊंचाइयों पे पहुंचाया है? हम जैसे यूट्यूबर्स ने ही, हम जैसी पब्लिक ने ही उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। लेकिन वो क्या बंदा हम लोगों को सपोर्ट करता है क्या? कभी नहीं करता। आज तक कभी सुना कि सौरभ जोशी ने इस छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट किया हुआ हो, या किसी दूसरे यूट्यूबर को, या किसी को भी सपोर्ट किया हुआ हो? वो बस ऊंचाइयों पे पहुंच गया और उसे किसी भी लोगों से कोई मतलब नहीं। आज वो जिस जहां है सिर्फ हम लोगों के ही कारण है। आज जब अंशुमन मौर्य भाई उनसे मिलने गए, तो उसने उनके साथ क्या बिहेवियर किया जो हम लोग उन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि टेक चैंपियन सपोर्ट ने बहुत लोगों का भला किया है। वो इंसान मेरे पास भी हजारों किलोमीटर गाड़ी चला के मुझसे मिलने आया, विदिशा, मेरे साथ वीडियो बनाया, मेरे चैनल को सपोर्ट किया। क्या पड़ी हुई थी उसको? क्या लगते हैं वो हम लोगों के हैं? सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं वो, सिर्फ वो बंदा दिल का अच्छा है, सबको सपोर्ट करता है। और सौरभ जोशी ने क्या किया उसके साथ? सौरभ जोशी कितना घमंडी है, आज ही मैं तो कहूँ उसका बाइकॉट करो। मैंने भी अपने दोनों तीनों चैनल से उसको अनसब्सक्राइब कर दिया, सारी आईडी से अनसब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि ऐसे लोगों को सपोर्ट करने से कोई मतलब का नहीं है। गाइस, जो हमको सपोर्ट करे उसको हम सपोर्ट करें, ऐसा। आज आप देखिए उसने क्या बिहेवियर किया है, ये वीडियो देखिए आप। नहीं, हाथ में जोड़िए, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, हाथ नहीं जोड़वा रहे हम, ठीक है? चलिए, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं नहीं नहीं, समझ गया, ठीक है ठीक है, कोई नहीं। बाकी हमने आपको बता दिया है ना, जो चाह रहे थे। चलिए कोई नहीं, फिर आप जो डिसीजन ले रहे हैं अच्छी बात है, कोई नहीं सर, हमारे को काम है बस रिक्वेस्ट करना, बाकी आपकी मर्जी, आप चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं करता सर। पर्पज भी बता दिया अपना, लेकिन फिर भी गाइस आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने हाथ जोड़ के वो इंसान भाग गया, जबकि अंशुमन भाई उससे बोल भी रहे हैं कि भाई मेरे भी 3.5 लाख सब्सक्राइबर हैं और मैं अपनी सब्सक्राइबर के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए ही आपके पास आया हूँ, शायद वो ऑडियंस आपकी भी व्यूअर होगी। लेकिन वो इंसान दूर से ही हाथ जोड़ के चला गया कि प्राइवेसी, यार व्हाट प्राइवेसी है? आज आप इतनी ऊंचाइयों पर पहुँच गए तो आज आपको प्राइवेसी लगने लगा है? ठीक है, आज 3.5 लाख वाला सब्सक्राइबर वाला चैनल से जब वो इंसान नहीं मिल सकता, तो हम जैसों की क्या औकात उसके सामने, सोचिए। मतलब वो, हम तो उसके लिए नाली के कीड़ों के समान है जो आसपास उसके रेंगते निकल जाएंगे, लेकिन वो हम पे कभी भी ध्यान नहीं देगा। तो क्यों उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाना? गिराओ ऐसे बंदे को नीचे, बिल्कुल नहीं पहुंचाना ऐसे इंसान को ऊपर तक।
जो किसी का सपोर्ट नहीं करता, किसी से मिलता नहीं है, ऐसे बस वो उसका परिवार उसी के आसपास, वो जिस जो उसको जानता है, जो उसके दोस्त हैं उन्हीं के साथ उसको वीडियोस बनाना है, और किसी के साथ नॉर्मल इंसान के साथ वो वीडियोस नहीं बनाएगा, क्योंकि वो ऊंचाइयों पे पहुंच गया है। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, बायकॉट करो सौरभ जोशी का। वो जिस चैनल से उठाता आज उसी चैनल पे भी वीडियो नहीं डालता, वो सौरभ जोशी आर्ट वाला चैनल। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मैं भी देखती थी उसके वीडियोस, हालांकि वो बहुत उसका काम और मेरे काम में खुद टेक चैम्पियन सपोर्ट जब मेरे पास आए थे अंशुमान भाई, उन्होंने मेरा काम देखा और वो बोल के गए थे, उनके शब्द सुनिए आप लोग। मुझे लगता है कि इनकी जो पेंटिंग है वाकई में यार काफ़ी लोग तारीफ करते हैं सौरभ जोशी, लेकिन यार उनसे लाख गुना बेटर मैं यहाँ बोलना चाहूँगा। सुना आप लोगों ने कि क्या बोल के गए थे कि सौरभ जोशी लोग करते रहते हैं, लेकिन मैडम का काम देखिए सौरभ जोशी से भी कई गुना अच्छा। ये मेरे वर्ड नहीं थे, ये खुद अंशुमान भाई के वर्ड थे। तो सौरभ जोशी बस एक उसको हवा मिल गई और पहुंच गया बुलंदियों पे। उस जैसे उससे कहीं बेटर आर्टिस्ट आज इंडिया में पड़े हुए हैं, लेकिन लक साथ नहीं दे पाया, उसका लक साथ दे दिया। और उसका लक कैसे, हम जैसे ही लोगों ने उसको ऊपर पहुंचा दिया ना, और आज वो हम लोगों का ही सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, आज ही मैं तो कहूँ उसका बायकॉट करो। हाँ, यदि आपको कोई फ़ायदा हो रहा हो उससे तो उसके वीडियोज़ देखो, क्या फ़ायदा हो रहा है आप ये बताइए। जहाँ अपना फ़ायदा नहीं वहाँ क्या मतलब का ऐसे वीडियोस देखने का। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के, जो जो मेरा वीडियो देख रहा है उसका आज ही बायकॉट करिए और सपोर्ट करिए टेक्निकल टेक चैम्पियन सपोर्ट को, अंशुमान भाई को, जो सबसे मिलते हैं, हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स से मिलते हैं और उन सबको सपोर्ट करते हैं बैठ के। वो ये नहीं देखते कि दिन है रात है, बस बाइक उठाए। क्यों, उनकी माँ क्या उनका वो नहीं करती होगी चिंता कि उसका बेटा दिन रात बाहर पहाड़ियों में घूम रहा है, दिन रात घूम रहा है, पूरे इंडिया में घूम रहा है, तो उसको चिंता नहीं होती होगी। लेकिन फिर भी वो बंदा निकलता है, उसे क्या कमी है, उसका खुद का स्कूल है, उसका खुद का अच्छा सब कुछ है, क्या पड़ी है उसे। लेकिन फिर भी वो हम लोगों को सपोर्ट करने निकल रहा है। यदि वो घर बैठ के भी करेगा, वीडियो बनाएगा, तो भी उसके वीडियोज़ आराम से चलेंगे। लेकिन आज भी वो सब जगह घूमता है, सबको सपोर्ट करता है, और एक बार कॉल करने पे वो बंदा फ़ोन उठाता है। ये होती है, मतलब घमंड नहीं है उस इंसान में बिल्कुल भी। और सौरभ जोशी को देखिए कितना घमंड है उस इंसान में। तो मैं कहूँ कि आज से ही उसका बायकॉट करो और सपोर्ट करो, जो हम लोग जैसे छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट कर रहा है। बस यही आज का मुझे बोलना था आप लोगों से, और कुछ नहीं गाइस। बाय बाय, गुड नाइट।